जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जैसे क्रिकेट अपने रंग बदलते हैं, इस तरह सोनम भी अपना हर रंग बदलते हैं। एक बहन सगी बहन को खुश नहीं देखना चाहती है, पर एक बहन अपनी बड़ी बहन की हर खुशी देना चाहती है। दोनों सगी बहन एक ही घर के छत के नीचे दोस्त रहती हैं। दोनों बहन एक ही घर में क्यों शादी किया? क्योंकि हर खुशी दुख सुख में साथ देना चाहती थी सागी। पर सोनम सुधरने के लायक नहीं है, कभी भी मौके पर चौका मारती रहती है। कभी रक्षम्स के साथ मिलकर, कभी टिम्पी के साथ मिलकर, कभी किसी मानव के साथ मिलकर के। तो करे क्या करे साबी, अपनों ने ही हमेशा धोखा दिया उनको। चाहे किसी भी मंजिल या हर खुशियाँ मिले, हर खुशियाँ में कोई ना कोई ग्रहण लग जाते हैं। अभी भी रक्षम के साथ मिलकर के पूरा घर, प्रॉपर्टी, बिजनेस, डालमिया, फैमिली पूरा रक्षम के नाम करा दिया उसने। सोनम जानती है अगर इस घर में रहा साबी तो इसका एक भी नहीं चलेगा, इसका मन मर्जी जो है ना बिल्कुल बंद कर देगी साबी। इसी डर के मामले में, डर से उनको घर से निकालना चाहती साबी के सोनम। ऐसा कब तक? बीच में माँ मासूम से भरी वेदिका भी है, वो क्या करेगी? रोक पाएगी साबी या नित्यम के घर से जाने से? क्या होगा? तो रक्षम का नेक्स्ट, उसको पता चल गया है कि उसके पापा जो 12 साल जेल में था वो बेगुनाह है। क्यों बेगुनाह है, क्यों जेल गया, उसके लिए आपको चैनल पर देखना पड़ेगा आपको कलर्स का क्यों क्या हुआ। यहाँ पर इस तरह है कि वेदिका जो है उनको गले लगाती है, जा रही है तो साबी उनको चाबी देना चाह रहा है घर के, कि अब तो मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, घर के बागडोर अब मेरे हाथ से निकल ले माँ, घर के चाबी जो भी है, कपाट के ज्वेलरी सब कुछ आपका है, सोना चांदी मेरा नहीं है कुछ, मेरे साथ तो सिर्फ मेरा नित्यम है जिसे मैं प्यार करता हूँ, जो मेरे हम सफ़र है। अब मेरी हर गलती मुझे माफ़ करना मेरी माँ, अब बस इस चाबी संभालो। इतना दिन मैंने अपना घर, अपना तन मन से घर संभाला हूँ, ये आपका घर है, आप ही रहो। लेकिन चाबी नहीं लेती है वेदिका माँ, चली जाती है रोते रोते। रोना धोना वो तो लगा ही रहता है, पर साबी भी है बड़ा जिद्दी है, इतनी जल्दी हार नहीं मानती, फिर भी जाती है वेदिका के पास और जा करके उनको प्यार भला किस करती है वेदिका माँ, और हग करती है, बोलती है बेटी तू जा, जहाँ भी रह जाना, खुश रहना, मेरा आशीर्वाद तुम्हारा साथ है।